रिलीज कर रहे हो या भुगत रहे हो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि अभी जब होश है आपको, जब ज्ञान है आपको, तो आपको जो करना है वो आप न करें, ये नहीं कर सकते। दूसरा, कैसे डिसाइड होगा कि आप नया कर्म खड़ा कर रहे हो, बुरा कोई हैवी, या नहीं कर रहे हो? ठीक है, दो बातें। सबसे पहली बात है आपका इंटेंशन क्या है किसी भी डीलिंग में। कार्मिक रिलेशन है, डीलिंग आप कर रहे हो, रिलेटिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपकी इंटेंशन क्या है? सामने वाले को गिराने की, प्रणाम बिमला जी, सामने वाले को गिराने की इंटेंशन है? प्रणाम बिमला जी, सामने वाले को गिराने की है या उसको बचाने की है? फ्रॉम विच स्पेस, आप कौन सी स्पेस से आ रहे हो? प्यार की स्पेस से आ रहे हो या नफरत की स्पेस से आ रहे हो? थकान की स्पेस से आ रहे हो कि प्लेफुलनेस की स्पेस से आ रहे हो? ये सबके ऊपर डिपेंड होगा कि व्हाट आर यू क्रिएटिंग। समझ में आई बात ममता? यस मैम। अगर आपका इंटेंशन अभी भी सही नहीं होगा, देन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू कर्म। गॉट इट? तो फिर आप नया कर्म क्रिएट कर रहे हो। अगर आपका इंटेंशन सही है, हाँ, मान लेते हैं पुराना कर्म है अभी रिलीज हो रहा है, मान लेते हैं, फिर भी अभी जो आपका होश है, अभी जो आपकी रियलाइजेशन है, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए भी आप उच्च स्तर से अगर बिहेव करोगे किसी सिचुएशन को लेकर, देन यू विल नॉट बी क्रिएटिंग अ हैवी कर्म। आपका अभी का इंटेंशन, पिछला कर्म भूल जाओ, वो रोलिंग है, कोई बात नहीं, पर डील तो आप अभी कर रहे हो उससे, तो आप अभी होशपूर्वक आप उससे डील करो, अभी आप हायर वाइब्रेशन में से डील करो। वो डिसाइडिंग पॉइंट होगा कि अभी आप नया कर्म वापस क्रिएट कर रहे हो या आपका पुराना अभी डाइल्यूट हो रहा है। अगर आप प्रेम की स्पेस से आओगे, एकता की स्पेस से आओगे, दिव्यता की स्पेस से आओगे, तो कोई कर्म आपको लागू नहीं पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, मैं मेरा कहती हूँ, दूसरे गुरु को जो कहना है वो कह सकता है। आई नो माई सेल्फ कि मैं कार्मिकली मुक्त हूँ, आई एम कार्मिक। मैं आपको गाली भी दूंगी ना, मुझे कोई कर्म नहीं लागू पड़ेगा। तो आप अपनी अवस्था को देखो, आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, तो आप देखो कि आपकी गाली देने से क्या हो रहा है या हंसकर कोई सिचुएशन को डील करने से क्या हो रहा है, ये आप जानो। कंपेयर किसी के साथ मत कर। मेरी एक सॉल्यूशन भी होगी, वो हो सकता है 20 लोग यहाँ मुझे सुनते होंगे, जरूरी नहीं है कि ये 20 पीपल को लागू पड़ेगा और सेम तरीका उनको अपनाना होगा। नो, आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा, ये पिछला कर्म है, नया है, कोई कर्म नहीं है, सिर्फ हम खेल रहे हैं, क्या है ये सब, आपको ये आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा। ठीक है ममता? ठीक है, आपको जवाब मिल रहा? क्लैरिटी क्लियर? यस मैम, यस। ठीक है, यस शोभी, आपने रेज हैंड किया, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम मां। प्रणाम शोभी। मां, मेरी साधना भाव अच्छी जा रही है और आप जैसे भी बताते हो, मेरा वजन जो है ना वो 8-9 किलो कम हो गया तब से जान मैं, तो मेरा पहले 73 था, अब मैं 64 तक आ गया, तो वो अच्छा ही है या मैं सारी बीमारियों से फ्री हो गई, मेरी दवाइयां भी छूट गई है और मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ मान रही हूँ, लेकिन सामने वाला देखता तो कहता क्या हो गया, फिर क्या हो गया, क्या हो गया, तो वजन घट रहा है तो अच्छी बात है या क्या है? मेरा वजन बढ़ गया आध्यात्मिकता में आकर, मेरा तो घट गया ना, बिल्कुल ना, मैंने ना मैंने ज्यादा खाया ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा, तो इट ऑल डिपेंड्स आपकी शक्ति जो जागृत हो रही है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है, जो कार्मिक रिलीजेस हो रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, ये सब के ऊपर आपका शरीर का बांधा कैसा है, आपके शरीर की ताकत कैसी है, आपका मन कैसा है, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ आपकी रूटीन लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है,
सिर्फ साधना ही चालू है तो समझ लो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज डूइंग टू योर बॉडी राइट नाउ, इट्स ओके। अगर आप श्योर हो कि आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो, जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है वो कर रहे हो, खुश रह रहे हो और साधना कर रहे हो, तो वजन बढ़े या कम होए आप उसको इग्नोर करें। वो तो मां मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं वीकनेस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, पेट बिल्कुल स्लिम हो गया है। हाँ, पहले बहुत आपरा सा रहता था, बस मुझे भी लगता है कि सब रिलीज हो गया। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब हम साधना शुरू करते हैं ना, हमें लगता है हम कर रहे हैं। वापस मैं बोलती हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने बॉडी को स्टिलनेस में ला सकते हैं, हमारे माइंड को स्टिलनेस में एक फोकस में ला सकते हैं। वो कौन सा फोकस? देखो, जो फोकस बाहर होता है ना तो 10,000 जगह पर होता है, जब अंदर होता है तो इट इज वन डायरेक्शन इनसाइड, है ना। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ शरीर को स्थिर रख सकते हो, अपने माइंड को एकत्र यहाँ पर तो उसके साथ एक हो सकते हो। उसके बाद आपके हाथ में कुछ है क्या? उसके बाद आप जो चाहो वो विजन ला सकते हो, अपने आप हो रहा है सब कुछ अपने आप, एंड यू डोंट नो क्या होगा, पिछले जन्म का कुछ आएगा, फ्यूचर का कुछ दिखेगा, बाजू वाली का कुछ दिखेगा, बच्चों कुछ नहीं पता। तो दिस इज अ क्लियर कट आंसर है, जवाब है, हमें सिर्फ बैठना है। उसके बाद वजन घटे, कम होए, भूख ज्यादा लगे, कम होए, बुखार आए, नहीं आए, शरीर दर्द होए, ये सब अपने आप होगा और अपने आप बंद होगा, अपने आप अलग अलग चीजें होगी। यू सिंपली कैन बी सिर्फ साक्षी बनकर आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट, और कोई है जिसको कोई प्रश्न पूछना है या कोई टॉपिक है? यस सुनीता जी, अपना हैंड रेज कर रखा है मैं। यस सुनीता जी बोलिए, एक मिनट। सुनीता जी आपका वीडियो ऑन है। अब बोलिए ममता जी। आई थॉट ममता गुप्ता। आपका वंदन माँ। मैं 5 महीने से साधना कर रही हूँ और मेरे अंदर बहुत बहुत परिवर्तन आया है। पहले से और शांत हो गई हूँ और बहुत अपने अंदर संतुलन महसूस कर रही हूँ। मगर कभी कभी माँ क्या होता है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर या परिवार में कभी ना कभी कोई आपके साथ व्यवहार ऐसा कर देता है, जैसे कि मैं नहीं चाहती किसी को कुछ बुरा कहूँ या किसी का दिल दुखाऊँ, मगर कभी कभी कोई ऐसा कोई बात कह देता है, व्यवहार कर देता है या आप पर कोई ऐसे इल्जाम लगा देता है जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होता। मैं अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश करती हूँ माँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो अंदर से हलचल हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आप को कैसे शांत और रखूँ और सामने वाला मुझ पर हावी हो जाए, ऐसा भी ना हो कि हमेशा इस बात पर वो सोचे कि ये तो कुछ बोलेगी नहीं, तो इससे मैं अपने आप को कैसे निकाल सकती हूँ? देखो, सबसे पहले एक चीज याद हमें ये रखना है कि ये जो लीला है, जो जीवन है, उसमें दो फोर्स ऑपरेट करते हैं, दो फोर्स है ना, तो ही जीवन है, वरना जीवन है ही नहीं। एक फोर्स है पॉजिटिव, एक फोर्स है नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट जलती नहीं है ना पॉजिटिव नेगेटिव वायर के बगैर, वैसे जीवन का अगर जीवन है तो दो फोर्स है, ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। मान लेते हैं आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे, किसी का बुराई नहीं करते हो, किसी के पीछे नहीं पड़ते हो, कुछ नहीं करते हो, है ना। लेकिन आपने जैसे कहा वैसे लोग आते हैं, इल्जाम डालते हैं, आपको तंग करते हैं, आप सच्चाई बोलते हो तो आपका सुनेंगे भी नहीं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में तब है, एक्चुअल साधना खुली आंख से अब है। क्या है? आप जानते हो आप सही हो, लेकिन सामने वाला इल्जाम डाल रहा है। आपको पता है जीवन में कैसे जीना, उसकी क्षमता, आपकी क्षमता क्या है जीवन जीने की, रिलेशनशिप हो, बहू की तरह हो, माँ की तरह हो,
इन शॉर्ट अगर आप ध्यानी हो, अगर आप शांत हो, तो आपके पास क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा, अगर ध्यान है तो आत्मा का कनेक्शन आपका अच्छा हो गया होगा और इसलिए आत्मविश्वास आपका अच्छा होगा, तो सामने वाला कुछ भी बोले आपको हंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सत्य पता है। और लेकिन फिर भी अगर आप इरिटेट होते हो तो दो बातें देखो, साधक के पास दो तरीके हैं। एक है योद्धा, योद्धा मतलब कौन? परशुराम हो सकता है, हाँ, कोई भी एनलाइटन मास्टर या अवतार, गुरु गोविंद सिंह जी हो सकते हैं, उन्होंने तलवार उठाई है ना। तो आपको फिर डिसाइड करना है कि आपका मार्ग कौन सा है, योद्धा का मार्ग है तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ना, या आपका बुद्ध का मार्ग, या आपका सूफी का मार्ग। मैं कभी कभी बहुत गुस्सा होती हूँ अगर सूफी मार्ग मेरा पकड़ा, उस क्षण में मैंने मेरे भीतर का सूफी मार्ग एक्टिवेट है तो मैं संगीत सुनती हूँ, नृत्य करती हूँ, या कोई पिक्चर देखने बैठ जाऊंगी, या कोई सॉन्ग्स देखने, वीडियो देखने बैठ जाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर ध्यान होगा तो क्या होगा, मोमेंट टू मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में होश पूर्वक हमें जीना आ गया होगा। और अगर वो आ गया होगा तो कभी भी ऐसी घटना हमारे सामने जब आती है तो हमें पता होगा कि मुझे गाली देनी है, उसका गला काटना है, उसका गला दबाना है, उसको थप्पड़ मारनी है, या मुझे चुपचाप ऐसे बैठ के हंसते रहना है। इसलिए ध्यान है। तो अब जब अगर कोई आपको कुछ गाली दे रहा है या तंग कर रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, तो आप अपने आप को पूछो कि क्या करने से मैं शांत हो सकूं। मेन थिंग इज टू कीप योरसेल्फ शांत। शांत का मतलब ये नहीं कि कुछ मत बोलो, मैं तो गालियां बोलती हूँ तभी भी शांति होती। शांत का मतलब ये है कि यू आर श्योर आप जो कर रहे हो या आपके थ्रू जो हो रहा है उसके लिए आप श्योर हो, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। एक बात याद रखना, जब भी माइंड यूज करते हो गिल्ट भी आएगा, रिग्रेट भी आएगा। अगर माइंड यूज नहीं किया है, होश पूर्वक उस क्षण में जो करना था वो ही किया है, आपको कभी, आप किसी को मारोगे तो भी आपको रिग्रेट नहीं आएगी, किसी को गाली देगो तो भी रिग्रेट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ किया आपने, डिसाइड कर दिया मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना इस सिचुएशन, और वो रिस्पॉन्स के बाद आपको अच्छा लगता है, ईगो वाइज नहीं, पीस वाइज, शांति वाइज, दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड, वो जो आपने किया उससे आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल गया, देन ये आप परफेक्ट। अगर 10 बार किसी ने इल्जाम लगाया और अभी 11वीं बार लगा रहे हो और फिर भी आप अपसेट हो रहे हो, तो आपको अपने आप को ये पूछना है कि मैं क्या करूं कि जिससे ये मेरे पर इल्जाम लगाए तब मैं शांत हूं। आप किसी को बदल नहीं सकते हो, ये मैं बार बार कह रही हूँ, यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ। अभी भी मैं, आप मेरे सेशन में भी आओगे, मैं आपको बदल नहीं सकती। हाँ, मैं बदलने का एक मौका क्रिएट कर सकती हूँ, मैं आपको थोड़ा पीन कर सकती हूँ, थोड़ा डंडा मार सकती हूँ हिलाने के लिए आपको, ताकि आप जो अभी तक निर्णय लेते आए हो उससे कुछ अलग निर्णय आप, और अलग निर्णय लोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। सो दैट इज वाई आज मुझे किसी ने पूछा भी कि माँ मेरे पास एक ओशो वाले का मैसेज आया है कि ध्यान से कुछ नहीं होता, सब अपने आप हो रहा है, इसलिए ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान से कुछ नहीं होता। तो क्या बुद्ध पागल थे जो पेड़ के नीचे बैठे, दूसरे जो ये बड़े बड़े योगी महावतार बाबा जी और जो भी सब हो चुके हैं, सबने ध्यान का बोला, सबको ध्यान से जो हुआ वो क्या गलत थे? यस, थिन फाइन लाइन है सत्य और झूठ के बीच में भी, और गॉसिप और सत्य के बीच में थिन फाइन लाइन है। क्या है? ध्यान में सब अपने आप होता है, मैं सिर्फ साक्षी हूं। यस, लेकिन बैठना तो पड़ता है ना, तो जो हम बैठते हैं उसको हम, मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, ध्यान की प्रक्रिया कर रही हूँ, ऐसा बोलेंगे हम उसे। तो मेन थिंग इज अगर ये शांत हुआ तो आपको होश होगा तो आपको समझ आएगी कि सामने वाला तो झूठी बोल रहा है। जब झूठी बोल रहा है, जब इल्जाम ही लगा रहा है, जब मुझे पता है सत्य क्या है, तो मैं क्यों अपसेट हूं?
और अगर आपका योद्धा का मार्ग है, ये भी मैं बता दू, कई औरतें जिनके भीतर पुरुष तत्व बहुत एक्टिव है, तो आप उसको दबाएं नहीं, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे भीतर का ये आक्रमण करने का जो मेरा स्वभाव है बहुत एक्टिव है, पहले तो अपनाना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, फिर धीरे 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 धीरे, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर ये चीज आपके जीवन को आसान नहीं कर रही है, आपके जीवन में सोल्यूशन नहीं ला रही है, फिर आपको योद्धा मार्ग से आपको बुद्ध के मार्ग पर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ दूसरे लोगों की लाइफ या पुस्तक पढ़ने से ज्यादा ये जो पुस्तक है, आपका शरीर आपका मन, मुझे यहाँ लग गया उसने बोला तो, या यहाँ मेरा तार तार हो गया उसने मुझे इल्जाम लगाया तो, इसको पहले स्टडी करो। इसी स्टडी के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, यही स्टडी तो आप कर नहीं रहे हो। यही रीटा नाम की पुस्तक को अगर मैं नहीं पढ़ूंगी, कोई कितना भी बड़ा रियलाइजेशन अपनी पुस्तक में क्यों नहीं लिखा होगा, पर मुझे नहीं समझ में आएगा। मुकम्मल एक्सपीरियंस जब तक मेरा नहीं है तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा। तो फिर अभी आपको अगर 10 बार इल्जाम लगाया, 11वीं बार लगा रहा है और फिर भी अगर आप अपसेट हो रहे हो, इसका मतलब आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि खुद के ऊपर काम किया होगा तो अब तक पता चल गया होगा कि वो तो झूठी बोले जा रहा है और उसको मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मुझे तो सत्य पता है। अभी मेरे सामने अगर सूरज है और कोई बोल रहा है कि रात है, उसको बोलने दो भाई कि रात है, कि मुझे तो मेरी आंखों से सूरज दिख रहा है ना, समझ में आई बात को। अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने ऊपर काम करें। जी माँ जी, एम आई क्लियर सुनीता? जी माँ, असल में इरिटेट नहीं होती हूँ मैं, कोई ऐसी बात होती है तो थोड़ा सा हलचल आ जाती है मन में। बिल्कुल। और तो फिर काफी टाइम तक वो बात चलती है कि अरे आज उसने मुझे, और वो सामने वाला जोर जोर से चिल्ला के अपमान वाली टोन में बात करता है, तो वो लगता है कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सामने वाला इंसान इतने जोर जोर से बोल। एक मिनट रुक जाओ, ये वर्ड आपने यूज किया सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, यूज किया ना आपने, अपने सेल्फ को जाना, पहले तो ये बताओ। को अभी तो नहीं जाना, अपनी कोशिश में हो रही हूँ। जब आपने सेल्फ को ही नहीं जाना, किसको बचा रही है, कहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट, फर्स्ट नो योरसेल्फ। एक सूफी कहानी है कि गांव के मतलब गांव के बस बाहर वो रहता था, अकेला रहता था, है ना, और गांव में किसी एक लड़की का अफेयर हुआ किसी लड़के के साथ, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो बता नहीं पा रही है लोगों को कि इस बच्चे का पिता कौन है। तो एक दिन जब गांव वाले इकट्ठा हो गए पूछने के लिए कि पता है इसका बाप कौन है, तो उसने क्या किया, उसने डर के मारे उस सूफी संत का नाम ले लिया जो गांव के बाहर रहता था, बोले वो उसका बाप। पूरा गांव गया वो बच्चे को लेकर और उस संत को के हाथ में थमाया, बोले तो इसका बाप है। तो वो सूफी मास्टर भीतर तो वो जानता है ये सच्चाई नहीं है, है ना, फिर भी वो बोलता अच्छा मैं इसका बाप हूं, ठीक है दे दे, उसे ले लिया, गाँव वाले चले गए। अब छोटा बच्चा है, उसको तो दूध चाहिए पीने को, है ना, रोने लगा, थोड़े दिन तक चला वो बॉटल से दूध पिलाता रहा, लेकिन एक दिन उसी माँ को जो झूठ बोली थी ना, उसको भीतर में तकलीफ हो गई, ना जो भी फेस करना पड़े मुझे तो मेरा बच्चा वापस ही। तो वो गांव वालों के पास गई और उसने बोला कि मेरी गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। वापस सब गांव वाले गए, वो सूफी मास्टर बोला ये बच्चा आपका नहीं है, आप क्यों उस दिन बोले नहीं, अच्छा मेरा नहीं है, ओके ठीक है, बोले दे दे वापस, ठीक है ले जा। वो क्यों शांत था, क्योंकि उसको पता था, हाँ उसको पता था कि मेरा नहीं है भाई, अगर उसका होता और उसने झूठ बोला होता हाँ तो वो अपसेट होता, लेकिन ही वॉज नॉट अपसेट। तो आप पूछो ये जो सिचुएशन में आपको, पहले तो आप पूछो, दूसरा कि ये बात भी याद रखो, हर एक सिचुएशन में अगर हम हैं तो हम को क्रिएटर है, को सर्जक है, सह सर्जक है। तो पहले तो अपने आप को ये पूछो कि इस पूरी सिचुएशन में मेरा कितना योगदान है, हा? तो आपका जितना भी अंदर है ना,
पानी और समय और ऊर्जा, पहले तो वो निकाल लो भाई, आपका जितना योगदान है उसको पहले निकाल दो। तो क्या होगा, अगर कोई प्लांट है उसको ना आप ध्यान दे रहे हो, ना उससे बात कर रहे हो, ना पानी पिला रहे हो, ना फटे, क्या होगा, मर जाएगा। सेम वे द सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन सही नहीं है, अगर ये सिचुएशन आपके जीवन को भी नहीं बदल रही है, आपको ज्यादा होश में नहीं ला रही है, ज्यादा खुश इंसान नहीं बना रही है, हाँ, तो उसको पानी देना बंद करो। मतलब क्या होगा, उस पर से ध्यान लेना शुरू करो। अब आपने बहुत सही कहा मैम सुनीता कि न चाहते हुए भी एक घंटे तक वो मेरे दिमाग में चलता रहता, बिल्कुल चलेगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आप खुद गाना गाना शुरू करो, मंत्र जाप करना शुरू करो, पागल की तरह हंसो जोर जोर से। बिकॉज अगर मैं वैज्ञानिक तौर पर आपको समझा रही हूं ना, तो ये समझ लो इधर एक ऊर्जा है, उसमें ये डेटा आया है ना। अब करना क्या है, डेटा तो घुस गया अंदर, वो एनर्जी के अंदर, उसको अभी एकदम से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उस एनर्जी को हम फ्लो करना, फास्ट फ्लो करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही आप या तो मेडिटेशन करेंगे या गाने गाएंगे या डांस करोगे, हाँ, इससे क्या होगा, वो मूवमेंट ऑफ एनर्जी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी जिसमें वो डेटा। थोड़ा हर औरत को है ना, थोड़ा आप लॉजिकल, उसने सिर्फ हृदय को यूज किया, ये उसकी महानता भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये बैलेंस नहीं। कल ही मैंने सुना कि परशुराम, उनकी एनर्जी इतनी इम्बैलेंस हो गई थी और इतने वो वायलेंट हो गए थे कि एक दिन उन्होंने अपनी माँ को भी मार दिया था, मतलब गला काट दिया। Why? Because the energy was not balanced. And this is normal. यही लीला है, यही प्ले है। तो कई बार एक चीज याद रखिए मेरी, कई बार अगर किसी की एनर्जी बैलेंस नहीं है और बहुत ज्यादा उग्रह है, वहां से हट जाने में बहुत बड़ी समझदारी है, वहां ऐसे करके खड़े रहने में समझदारी नहीं होगी। तो आप अगर होश में आप होंगे तो ही आपको समझ आएगा कि अभी मुझे क्या करना है, हथियार डाल देने हैं या तलवार हाथ में निकालनी है या ये करना है। लेकिन अगर होश में नहीं रहोगे आप, अगर प्रेजेंट मोमेंट में जीना आपको नहीं आया होगा, तो आपको समझ नहीं आया होगा। इसलिए मैं आपको ये कोई ऐसी एडवाइस नहीं दूंगी, बुद्ध की तरह शांति हमेशा रहो, कोई गांधी जी की तरह एक लाफा मारा तो दूसरा दे दो, ना बाबा बचाओ अपनी गाल को। अभी जो एक लड़की आई थी, बोल रही थी उसकी मसल वीक है, अब किसी ने एक लाफा मारा तो यहाँ फट जाएगा, तो क्या ये समझदारी होगी। तो मेडिटेशन मीन्स, मेडिटेशन का अर्थ है जो करना है, जब करना है, जिसके साथ करना है, जितनी मात्रा में करना है उतना ही आप करेंगे, और जब कुछ नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। इतनी समझदारी, इतना होश हमें आ जाए। मैं मेरी सहेलियों को भी कहती हूँ, देखो याद रखो, हम सब एक है, हम सब कनेक्टेड है, हम सबके अंदर परमात्मा भी विराजमान। लेकिन क्या सिर्फ आई एम गॉड बोलने से तुम गॉड बन जाते हो, मतलब गॉड होने की? नहीं, 10 साल तक तुम आई एम गॉड बोलोगे कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को झूठी बोलते रहोगे, अंदर से आप कैक्टस ही रहोगे, जुबान पर कितना भी आप रोज 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 बोलते रहो। अनुभूति बहुत जरूरी है। आज कृष्णा का बोलना कि आई एम द सुप्रीम, तो मुझे सरेंडर कर, और सुदामा बोल सकता है ये बात, बोल सकता है सुदामा कि आई एम द सुप्रीम, यू कम एंड सरेंडर टू मी? अगर बोलेगा भी तो वो झूठ होगा कि नहीं? झूठ होगा। तो लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले अपने आप को जानो, समझो कि मैं अभी सुदामा हूं, मैं अर्जुन हूं, कि मैं कृष्णा हूं, कि मैं धृतराष्ट्र हूं, मैं कौन हूं? कृष्णा आपकी सबकी हाईएस्ट उच्चतम की अवस्था को पहचानना है, ये पूरी लीला है। लेकिन अभी मैं धृतराष्ट्र हूं और नहीं आई एम गॉड, आई एम कृष्णा, आई एम कृष्णा, आई एम सॉरी टू से, आपकी लाइफ अस्त व्यस्त होने वाली। तो ध्यान होगा, होश होगा, तो पहले तो एक्सेप्टेंस होगा कि मैं ये हूं और मैं धृतराष्ट्र हूं, और कोई मुझे धृतराष्ट्र कहता है,
फिर तो काहे का बुरा लगाना। हाँ यार तू सही बोल रहा है, पर यार थोड़ा वक्त दे दे, मैं काम कर रहा हूँ अपने आप पर, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी, चल मैं कृष्ण जैसी बन जाऊंगी। दिस इसको विनम्रता, इसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। दूसरी एक बात याद रखिए, सिर्फ ऊर्जावान होना इनफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ, विवेक बुद्धि होना, हाँ पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 1 करोड़ रुपया होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस 1 करोड़ रुपया को मैं कितना कहाँ डालूं, कहाँ खर्च करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ कितना रिटर्न ज्यादा आएगा, कैसे मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, ये सब सोचना भी तो जरूरी है। हाँ तो अगर इरिटेशन आ रहा है सुनीता आपको, आई एम वेरी हैप्पी कि आप में इतना होश, इतनी ताकत है अपने आप को और मुझे बोलने का कि हाँ माँ मैं इरिटेट होती हूँ। अगर यही एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि आप इरिटेट होते हो तो उसका सोल्यूशन कैसे करेगा। तो पहले तो इतना हमें ह्यूमिलिटी, इतनी सच्चाई, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि मैं मिरर में किसको देख रही हूँ, सुदामा देख रही हूँ या कृष्ण देख रही हूँ, अर्जुन या धृतराष्ट्र, मैं किसको देख रही हूँ। देखो पूरा जो महाभारत है, पूरी जो भगवत गीता भी, महाभारत के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब हमारे भीतर है। क्यों, ये तो सुना ही होगा कि वी आर द यूनिवर्स, हम ही ब्रह्मांड है, तो ये सब हमारे भीतर है। एट द एंड ऑफ द डे रोज आपको अपने आप को पूछना है कि आज मेरे भीतर कौन जीता, कौरव जीता कि पांडव जीता, आज क्या मेरे अहंकार की सुनी या आज कृष्ण की वाणी, कृष्ण की आवाज को मैंने भीतर सुनी। लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं दूसरों की बुक्स पढ़ने में, ज्ञान की बुक्स पढ़ने में, कि ये जिसको पढ़ना है उसके लिए टाइम ही नहीं है। हाँ कोई एकदम नया आएगा, कोई ब्रांड न्यू यंग सोल होगा जिसको कुछ नहीं पता, और या तो मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं उसको कोई बुक पढ़ने का बोलूँ तो बात अलग है। लेकिन अगर आप लोग ज्ञानी हो, अगर मुझसे कनेक्टेड, तो मैं आपको बुक पढ़ने के लिए नहीं कह सकती, मैं कहूंगी अपने आप खुद को पढ़ो। आपके अब तक इतने मोटे मोटे 4 जर्नल या नोटबुक भर जाने चाहिए, रोज का 1 पेज, आज क्या क्या सोच आई, कब बुरा लगा, कब रोना आया, कब हंसी, कब कोई मुश्किल समय आया तो मैंने उसको हंसते हुए फेस किया, ऐसे रोज लिखना है आपको, तब जाके आपको पता चलेगा आपको चेंज कहाँ लाना। और दूसरों की बदलने की बात ही छोड़ो, वो और इल्जाम लगाएगा, मैं तो चाहती हूँ वो और इल्जाम लगाए आप पर सुनीता, ताकि आप इतने प्रेशराइज हो जाओ कि खुद के भीतर चले जाओ। मैं तो इसको मौका समझती हूँ। सिर्फ कई बार सुनीता याद रखना, सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। हाँ एक सिचुएशन है उसके लिए आप 10 अलग अलग तरीके से सोच कर सकते हो, सोच सकते हो, तो कौन सी सोच को आप पकड़ के उस पर अमल करते हो, इसके ऊपर आपका जीवन का रिजल्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स, लव यू। एनीबॉडी एल्स, माधुरी जी का हैंड रेज है मां। यस यस माधुरी। हेलो, आत्मवंदन मां सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। आत्मवंदन, मैं आज का 2 घंटे का ध्यान की थी पत्री जी का, वो अनुभव सुनाना चाहती हूँ आपको। बिल्कुल सुनाइए, लेकिन काम का है, किसी को काम का, इसलिए तो सुना रही हूँ। बिल्कुल सुनाइए। ये क्या बोलिए, मैं हमारा ध्यान करती हूँ, वहाँ पे इतना लंबा सांप आया हुआ था, सांप था, उसके बाद मैं देख के मैं बोली बाप रे ये तो क्या सांप है, मैं कैसे यहाँ ध्यान करूंगी करके सोची। उसके बाद फिर उनको लव एनर्जी दी मैं, अभी यहाँ से चले जाओ करके, फिर वो गए नहीं, वहीं पे हिल भी नहीं रहे थे, तो मैं सोची पता नहीं हट होके या कुछ हुआ है, तो हिल भी नहीं रहे हैं। फिर जैसे ही पत्री जी का वीडियो चालू हुआ मैंने बांसुरी का, तो वो अपना फन उठाए ऐसे, तो मैं बोली नहीं है करके, फिर बहुत देर तक देखी मैं बोली ध्यान तो मेरे को यही करना है, अब क्या करूँ, घर जाऊँगी बोलूँगी कि मैं यहाँ पे ये है तो कोई इसको हट कर देंगे, तो नहीं मैं तो ध्यान, फिर वही साइड में ध्यान करने बैठ गई मैं, खुली आँख से ध्यान करी, बहुत देर तक उनको लव एनर्जी दी, फिर बोले नहीं कोई बात नहीं, फिर खुली आँख से करते करते अपने आँखें बंद होने लगी, मेरी आँखें बंद होने लगी, तो फिर अपने आप को सरेंडर की मैं बोली पत्री जी सर या मातर बाबा जी या कोई भी मास्टर हो आप,
तो प्लीज मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, आप अपने मेरे सामने अंधेरा कर दो, आप इसे ले जाओ। ऐसे करके ध्यान में बैठी मैं थोड़ी देर, ध्यान की। उसके बाद में अपने आप मेरे हाथ खुल के ऊपर हाथ जोड़ने के लिए चले गए, फिर हाथों का पिरामिड बन के जहाँ सांप राजा थे वहाँ पे गया ऐसे। उसके बाद पूरा साष्टांग ध्यान में ही साष्टांग नमस्कार की मैं उनको, पूरा नीचे ध्यान में सो के नमस्कार की बहुत थोड़ी देर तक। उसके बाद में उठी, उठ के आँख खोल के देखी तो वहाँ मुझे कोई भी नजर नहीं आया। फिर मैं आधे घंटा ध्यान की होंगे, ध्यान के बाद में फिर 2 घंटा हो गया था, उठ के देखी तो फिर वो सांप वहीं के वहीं थे, वो सांप देवता। उसके बाद में बहुत तर देखी मैं, फिर आँख बंद करी तो मेरे को एहसास हुआ कि नहीं ये तो कोई मास्टर है, तो अपने आप आँख से आंसू गिर रहे हैं और अपने आप से अंदर से आवाज़ आ रही है, मातर बाबा जी थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरा शरीर में ना अजीब सा एकदम हो गया था उस टाइम। और फिर पूरा सेशन खत्म होने के बाद में वो धीरे 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 फिर निकल गए वो। फिर मेरे सेशन का टाइम था तो मैं सेशन वीडियो खोलते, मैं सबको दिखाई, मिली देखो ये महतार बाबा जी का आज है शायद एनर्जी। हेलो, घटना होती है आपको होश में लाने के लिए, आपको आगे लेकर जाने के लिए ध्यान की यात्रा, है ना? हाँ हाँ, ये सब मैं ऐसे अभी ना अभी 2 घंटे तक जो भी मैं कर रही हूँ ना बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं मेरे। अब सब लिखो, है ना? एक दिन ये पीएमसी चैनल वाले आपको बुलाएंगे तब आप सब अपना अनुभूति शेयर करो, ठीक है? हाँ, वो ना आप मैं हेलो मधुर, हाँ बोलिए। मैं उसके बाद में ना ध्यान कर रही मैं 5-10 मिनट का, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। फिर उनको थैंक यू बोली, फिर वो कहाँ गायब हो गए, दिखे ही नहीं मेरे को, आँख बंद करी उस टाइम। मैं ये देखते रहो, एनालाइज मत करो, नहीं एनालाइज कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना, एनालाइज कुछ नहीं करना, ठीक है? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। ये मैंने जब लड़कियां या कोई भी किसी भी परिवार में लव मैरिज करके चली जाती हैं लड़कियां, अपने माँ बाप को छोड़ के, या उसके बारे में कुछ कहेंगे उनको एक्सेप्ट करना, या बहुत जैसे होता है बहुत परिवारों में, तो उसके में क्या है ऐसे चली जाती हैं? तो सबसे पहले तो ये लव मैरिज जो शब्द है ना वो हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मनमानी मैरिज होता है, ये मनमानी मैरिज। लव मैरिज का एक तो नाम ना दो, क्योंकि हमने है ना लव शब्दों को बहुत चीप कर दिया है और उसका अनर्थ कर दिया। सबसे पहले जानो तो सही प्यार है क्या। मैंने भी लव मैरिज ही किया था बहुत सालों पहले, तो ये लव क्या है पहले ये तो जानो, है ना? तो पहले तो आप लव मैरिज नाम नहीं दो, अट्रैक्शन था। हमारे समाज को पूरा बदलने की जरूरत है मैडम। अरेंज मैरिज की भी कोई गारंटी नहीं, जितनी लव मैरिज की गारंटी नहीं है सो कॉल्ड लव मैरिज, उतनी अरेंज मैरिज की भी कोई गारंटी नहीं। इसके ऊपर मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि शादी के पहले बहुत सारी ट्रेनिंग दोनों लड़के और लड़की को जरूरत है, हम बच्चे को कैसे बड़ा कर रहे हैं उसमें जरूरत है, ध्यान 4-5 साल में आ जाने की जरूरत है, हर घर को आश्रम जैसा बनाने की जरूरत है। पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, गालियां देते हैं, दारू पीते हैं, घर की बहू सास की ध्यान नहीं रखती और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे भाग गए, तो हमने उनको क्या माहौल दिया था, हमारा घर और आश्रम। तो आप सुन रही है मैडम? मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। तो आपको सुनने के लिए पानी क्यों पीना पड़ता है जब मैं बात कर रही हूँ? तो मैनर्स नहीं है आपके पास?